सो हेलो मेरी जनता, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे और मस्त होगे। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त प्रिंस, और स्वागत है आपका क्रिएटो लैब्स के एकदम ही नए एपिसोड में, द चैनल वेयर यू गेट ऑल द लेटेस्ट टेक टिप्स ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स। तो आज के एपिसोड को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रिव्यू लैब के अंदर, और आज के एपिसोड में मैं रिव्यू करने वाला हूँ MI डेस्क लैम्प 1S को। तो ध्यान से देखना, ये पूरा एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि 2000 सब्सक्राइबर्स पे मैं करने वाला हूँ इस डेस्क लैम्प का गिव अवे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और साथ ही साथ तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि 2000 लॉन्च में ये 19 हुआ था। क्या बोला तूने? 2019 में ये लॉन्च हुआ था, और अभी मैं इसका रिव्यू इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी भी इतना ही इफेक्टिव है और बाकी डेस्क लैम्प्स के मुकाबले बहुत ही बेहतरीन डेस्क लैम्प है, और साथ ही साथ स्मार्ट डेस्क लैम्प है। इसी के साथ तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, चैनल कर लेना सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाले एपिसोड या वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स तुम्हें मिलते रहें। इसी के साथ आगे बढ़ाते हैं ये एपिसोड पर, उससे पहले इंट्रो जरूर देख लो भाई। हेलो, डू यू वांट टेक टिप्स ट्रिक्स एंड हाउ टू रेसिपीज, एंड डू यू आल्सो वांट गेमिंग रिलेटेड ऑसम कंटेंट? इफ योर आंसर इज यस, देन यू आर एट द राइट प्लेस। वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू क्रिएटो लैब्स, सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। तो जैसा कि मैं तुमको इंट्रो के पहले बता चुका हूँ कि इस डेस्क लैम्प को हम लोग कर रहे हैं गिव अवे, तो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और करते हैं अब इसकी अनबॉक्सिंग पर। अनबॉक्सिंग करने से पहले जो बॉक्स पे कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो यहाँ जैसे ही तुम बॉक्स अपने हाथ में उठाओगे तो सबसे ऊपर तुम्हें देखने को मिलेगी कि मी की ब्रांडिंग यहाँ पे दी हुई है। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मी की ब्रांडिंग है, साथ ही साथ कुछ अवार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है यहाँ पे, और नीचे भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। अब चलते हैं राइट साइड में, तो राइट साइड में भी कुछ इन्फॉर्मेशन, सीरियल नंबर वगैरह आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। डेस्क लैम्प 1S की ब्रांडिंग यहाँ पे दी हुई है। पीछे के साइड में सेम इन्फॉर्मेशन जो सामने साइड दी थी वही सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ भी दी हुई है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं क्या क्या है बॉक्स के अंदर, क्या क्या कॉन्टेंट्स हमें देखने को मिलते हैं लैम्प के अलावा। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग इसे अनबॉक्स करते हैं तो एक छोटा सा बॉक्स निकलता है, और इसमें आपको मिलेगा पावर एडाप्टर, और इसी एडाप्टर के साथ आपको लैंप यूज़ करना है, और इंडियन स्टैंडर्ड में एडाप्टर दिया हुआ है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ बता दूं कि कोई बैटरी वगैरह वाला सपोर्ट नहीं है इस लैंप में, तो डायरेक्ट आपको पावर सप्लाई के साथ ही इसे यूज़ करना पड़ेगा। और चलते हैं अब दूसरी चीज़ों की तरफ कि क्या क्या और चीज़ें हमें मिलती है। तो यहाँ पर यूज़र मैनुअल इंग्लिश और मे बी चाइनीज़ लैंग्वेज में यहाँ पर यूज़र मैनुअल दी हुई है, इसे हम लोग रखते हैं साइड में। और अब करते हैं मी लैम्प को अनबॉक्स, लैम्प 1S को। तो यहाँ जैसे ही हम लोग इसे अनबॉक्स करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें मिलती है वो है ये लैम्प, और पैकिंग भाई, पैकेजिंग को 10/10 मार्क्स में देना चाहूँगा। और इस तरीके से ये लैम्प आपको देखने को मिलता है, तो काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ मुझे एक चीज़ जो है नेगेटिव यहाँ ये लगी कि इतना थिन डिज़ाइन होने के कारण ना मुझे ये ड्यूरेबल नहीं लगता। तो अब इसे यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करके हम लोग देख तो सकते नहीं कि टूटेगा कि नहीं टूटेगा, जो दूसरे लैम्प से उसके मुकाबले मैं बात कर रहा हूँ। तो इतना कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है तो बेसिकली कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपने इसे ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है तो। और साथ ही साथ यहाँ पे एक छोटा सा मैनुअल भी दिया हुआ है नीचे नॉब के पास, तो इसे मैं रखता हूँ साइड में और बताता हूँ क्या क्या चीज़ उसमें इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ आपको बेसिकली शॉर्ट में बताया गया है कि किस तरीके से इस लैम्प को आपको यूज़ करना है, साथ ही साथ QR कोड भी दिया हुआ है जिसके थ्रू आप पेयर कर सकते हो इसे ऐप से। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि वो मैंने आपको यहाँ नहीं बताया क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही रिकॉर्डिंग डिवाइस है, दो रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं है, दो या तो एक एक्स्ट्रा फ़ोन या कैमरा नहीं है, तो हम लोग सिर्फ इसे नॉर्मली यूज़ करके देखेंगे। बाकी आप YouTube पे दूसरे वीडियोज़ देख सकते हो कि किस तरीके से आप इसे पेयर कर सकते हो। बेस में एक बटन दिया हुआ है इसके, तो उसे क्लिक करके आप पेयर कर सकते हो इसे अपने स्मार्टफोन के साथ। तो चलो यार इसे पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये परफॉर्म करता है। तो यहाँ मैं पावर सप्लाई से इसे कनेक्ट कर चुका हूँ, और आपको करना ये है कि ये जो नॉब दिया हुआ है या बटन दिया हुआ है इसे एक बार दबाना है और ये स्टार्ट हो जाएगा या टर्न ऑन हो जाएगा। आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, और दो चीज़ें, दो सेटिंग्स इसमें दी हुई है यहाँ पे। अगर आप इस नॉब को नॉर्मली घुमाओगे तो ये ब्राइटनेस जो है उसे एडजस्ट करेगा जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, पर अगर आपको इसका कलर टेम्परेचर सेट करना है तो नॉब को प्रेस करके इसे रोटेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वार्म और कूल या जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो उस तरीके से ये सेट होगा। तो जो भी आपको कलर टेम्परेचर चाहिए वो नॉब को प्रेस करके रोटेट करना है, और उस हिसाब से ये जो है अपना कलर टेम्परेचर चेंज करेगा। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ऐप के साथ अगर आप इसे कनेक्ट कर सकते हो तो इसकी टाइमिंग वगैरह, टाइमर सेट कर सकते हो कि कब इसे स्टार्ट होना है, कब स्टॉप होना है, साथ ही साथ
जो है टेम्परेचर वगैरह भी वहाँ से सेट कर सकते हो, ब्राइटनेस भी आप ऐप के थ्रू ही सेट कर सकते हो। और अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस यहाँ आपको देखने को मिलती है अगर आप अपने डेस्क पे वर्क कर रहे हो, कंप्यूटर डेस्क पे कीबोर्ड वगैरह यूज़ कर रहे हो रात के टाइम में, या तो फिर कुछ पढ़ रहे हो तो उसके लिए परफेक्ट लाइट है और बिल्कुल आप इसे परचेज कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। और एक बहुत खास चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हो या आपके पास कोई लाइट नहीं है तो इसे एज एन अल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते हो, इतनी ब्राइट लाइट है ये। तो फाइनली यहाँ बात करते हैं अब हम लोग प्राइसिंग की और कहाँ से मैंने इसे परचेज़ किया। तो बेसिकली मैंने इसे मी स्टोर से परचेज़ किया है, जो ऑथराइज स्टोर्स हैं, और अमेज़ॉन से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ ये लाइट जो है या लैम्प है मुझे मिला है 2799 में, यानी अप्रॉक्स 2800 का ये लैम्प मुझे मिला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अमेज़ॉन का, और अगर आप MI स्टोर से भी इसे परचेज़ करना चाहते हो तो वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। और अब बात करते हैं मेरी ओपिनियन की कि क्या ये डेस्क लैम्प उतना वर्थ है इतना पैसा खर्च करने के बाद। तो अगर ड्यूरेबिलिटी को हम लोग यहाँ छोड़ दें तो बिल्कुल ये डेस्क लैम्प वर्थ है, 100% आप इसे परचेज़ कर सकते हो। चीप अल्टरनेटिव है दूसरे डेस्क लैम्प्स के मुकाबले, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की स्मार्ट डेस्क लैम्प है। और यहाँ अब हम लोग बात करते हैं गिव अवे की, किस तरीके से आपको गिव अवे में परफॉर्म करना है और कब ये गिव अवे एक्टिवेट होगा। तो नीचे एक ग्लीम की लिंक दी हुई है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आएगा आपके सामने, आपको फॉर्म फिल करना है और अपनी एंट्री जो है रजिस्टर करनी है। और जैसे ही हमारे चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर आएंगे उसके बाद मैं एक लाइव करूँगा सैटरडे या संडे मोस्ट प्रोबेबली, जब भी होगा उसकी डेट आपको मिल जाएगी किसी भी वीडियो में। और वहाँ से जो है हम लोग अनाउंस करेंगे अपना विनर कि कौन ये डेस्क लैम्प का गिव अवे का विनर है। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना, शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सके। और एक चीज़ तुम्हें बता दूं कि पल्स 3D हेडसेट का गिव अवे भी हमारे चैनल पर चल रहा है, तो जाके उसमें भी तुम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसका जो एम है वो है 10,000 सब्सक्राइबर्स। और इसी के साथ ख़त्म करते हैं ये एपिसोड यहीं पे। अगर ये एपिसोड तुम्हें पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल कर लेना सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाले एपिसोड के रेगुलर अपडेट्स तुम्हें मिलते रहे। साथ ही साथ हम लोग इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ जाके भी फॉलो करो, अपना प्यार बरसाओ। और साथ ही साथ इस वीडियो का मैंने एम रखा है लाइक का 1000 लाइक्स, तो बिल्कुल लाइक करो वीडियो को और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। इसी के साथ मैं तुमसे इजाज़त लेना चाहता हूँ, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।